सहुरे परिवार दे विच महिला दी होई मौत। लड़की वालिया ने सहुरे परिवार ते लगाए इल्जाम। लड़की नूं दित्ता गया जहरीला पदार्थ। आरोपियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की कीती मंग। दस दे कि एक लड़की की अपने सहुरे घर दे विच मौत हो गई, जिस तो बाद हुण लड़की दे परिवार वालिया ने सहुरे परिवार ते इल्जाम लगाए ने ते इस संबंधी उन्होंने पुलिस कोल भी इंसाफ की मंग की है। तो दस दे कि मामला अमृतसर तो सामने आया, जिथे लाहौरी गेट के कोल रहन वाली सपना नाम की कुड़ी की मौत हो जाती है, जिस तो बाद उन्होंने परिवार वालों का कहना है कि जब लड़की को हस्पताल दाखिल करवाया गया तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दसया गया। तो मिली जानकारी अनुसार सपना नू जहरीला पदार्थ दिता गया सी, जिस तो बाद अज परिवार वालिया ने थाने दे विच जाके इंसाफ की मंग की है। तो परिवार वालिया का कहना है कि सहुरे पक्ष के वलों लगातार सपना नू तंग परेशान किया जा रहा सी। तो परसों जब उसनू हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया तो पेके वालिया नू फोन भी नहीं किया गया। तो सपना नू जहरीला पदार्थ दिता गया सी, ते पुलिस इस मामले दे विच कार्रवाई नहीं कर रही। ते उन्हां दी मंग है कि मामला दर्ज करके जल्द तो जल्द गिरफ्तारी की जावे। गलबात यह हुई कि 5 साल हो गए सी व्याही नू, हमेशा ये लड़ते झगड़ते सी, 8-8, 9-9 महीने मेरे को रही सी। ते मतलब जिस दिन इनू इन्ना एडमिट करवाया, सानू कोई फोन नहीं आ, कुछ नहीं आ, इनू कोई जहरीली चीज़ दिती गई आ जिस वजह नाल इहदी मौत हुई आ। दूजा यह आ कि अज तक पंजाब दे विच किते भी आ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ। ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਪਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਈ ਮੁਹੱਲੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਕੋਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ।